नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपडेट स्टार। स्वागत है आप सभी का। टीम इंडिया के स्टार पेसर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच काफी वक्त से कुछ विवाद चल रहा है, जैसे कि आप सब जानते हैं इस विवाद के बारे में। शमी की पत्नी उन पर और उनके परिवार पर काफी गंभीर आरोप लगा चुकी है। आरोप कुछ इस प्रकार से है कि उन पर बलात्कार और दूसरे महिलाओं के साथ संबंध बनाने के बारे में वो शिकायत कर चुकी है और उनका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इसी बीच दोस्तों कुछ ऐसा खबर आया है जो कि अभी सुर्खियों में है, और ऐसे आप सब जानते हैं कि जो हसीन जहां है मोहम्मद शमी की पत्नी, वो हमेशा उनका अभी तलाक नहीं हुआ है और उनका जो केस कोर्ट में चल रहा है उसके बीच में काफ़ी ऐसा वक्त आता है जब वो मीडिया में बनती रहती है और उनका सुर्खियाँ बटोलती रहती है दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसा क्या अपडेट आया उनके बारे में जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दरअसल क्या है दोस्तों कि हसीन जहां जो वाइफ है मोहम्मद शमी की, उन्होंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने बेटी की फोटो शेयर की है। इंस्टाग्राम जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि उन्होंने इस पोस्ट में अपना जो सरनेम है वो अपने बेटी के साथ लगाया, यानी कि वो पूरा सेपरेट कर रही है। मोहम्मद शमी है उनसे पूरे अलग दिखा रही है अपने बेटी को, और वो अपने बेटी के साथ के जो हसीन जहां उनका नाम का जो सरनेम है उसे यूज किया है कैप्शन में, लेकिन मोहम्मद शमी जो कि शमी लगना चाहिए उनके बेटी के नाम के पीछे वो उन्होंने यूज नहीं किया है। तो दोस्तों इस खबर से आप ये समझ सकते हैं कि क्या है कि उन अभी दोनों के बीच काफ़ी खटास चल रहा है और मामला जो है वो सेटलमेंट की ओर जाता नहीं दिख रहा है। और क्योंकि आप सब जानते हैं कि काफ़ी वक्त जो पहले विवाद हुआ था उसमें हसीन जहां और उनके फैमिली तक भी मैटर पहुंच गया था और ये काफ़ी सुर्खियाँ, जिसके बाद उन्हें BCCI के द्वारा रिपोर्ट भी किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने सफाई दिया। उसके बाद वो मैच खेलने के लिए गए दोस्तों। कुछ समय पहले जब ऑस्ट्रेलिया के टूर पे मोहम्मद शमी गए हुए थे, वहाँ चोटिल होने की खबर आई और चोटिल होने के बाद वो टीम से बाहर हो गए हैं। फिलहाल अभी वो चोटिल हैं और उनकी फिटनेस के अपने ऊपर काम कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन ऐसी खबर आता है जो उनके पर्सनल लाइफ के बारे में होता है तो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप सबको वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।